फ्रेंड्स, मामानिस किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं बनाऊंगी बैंगन बहार। और फ्रेंड, आज मैं कोलकाता की स्टाइल में ये बैंगन बहार बनाऊंगी। कोलकाता में इसे बेगुन बहार बोलते हैं। तो फ्रेंड, ये खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए देखते हैं ये बैंगन बहार कैसे बनाते हैं। बैंगन बहार बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम बैंगन और इसे मैं अच्छे से धो लिया है। तो इसे काटना है और काट के भी इसे अच्छे से धो लेना है। तो मैं दो पीसेस में इसको काट लूंगी। तो चलिए इसको काट लेते हैं। ये देखिए, एक एक बैंगन को मैं दो पीसेस में काट लिया है। ये देखिए लंबा शेप में, और इसे मैं 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। 3 मीडियम साइज की प्याज को मैं स्लाइस कर लिया है। 1 मीडियम साइज की टमाटर को मैं ग्राइंडर में ग्रेट कर लिया है। मसालों में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून सरसों यानी कि राई, और 1 टीस्पून खसखस यानी कि पोस्तो, और 3 हरी मिर्च को मैं एक साथ तीनों को पेस्ट बना लिया है। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही अच्छी कलर आती है और ये ज्यादा तीखा भी नहीं होती है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला, हल्दी मैं लूंगी 1/2 टीस्पून, नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार। खड़े मसालों में हमें चाहिए 1/2 टीस्पून काली जीरा, 1 सूखी हुई लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता, 2 टेबल स्पून धनिया पत्ता और 3 हरी मिर्च को मैं इसे चीर लिया है। तेल हमें चाहिए 2 टेबल स्पून। और फ्रेंड, आज मैं सरसों का तेल का यूज कर रही हूँ, इससे ये बैंगन बहार बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए फ्रेंड, पहले बैंगन को रेडी कर लेते हैं। मैं बैंगन को ले लिया है और बैंगन को पहले फ्राई करना है। तो फ्राई करने से पहले इसके ऊपर मैं एक कोटिंग बनाऊंगी। तो मैं इसके अंदर दूंगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और मैंने जो अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया था वो भी दे देंगे, और नमक हम देंगे थोड़ी सी। इस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। तो मैं बैंगन के ऊपर अच्छे से लगा दूंगी सारी मसाला। ऐसे करने से क्या होगी, बैंगन हम जब फ्राई करेंगे तो इसके ऊपर एक कोटिंग बन जाएगी, और हम जब ग्रेवी में देंगे तो बैंगन फीका नहीं लगेगी खाने में। अच्छे से लगा देंगे सारी बैंगन के ऊपर। बची हुई मसाला हम बैंगन के ऊपर ऐसे लगा देंगे। ये देखिए, मैं सारे बैंगन को मसाला से कोट कर लिया है। तो चलिए अब इसे फ्राई करना है। तो गैस को ऑन कर लेते हैं। और कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेना है। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। अब मैं 1 टेबल स्पून सरसों का तेल दे देंगे। तेल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गई है। अब मैं एक एक बैंगन को ऐसे उल्टा करके तेल के अंदर दे दूंगी। थोड़ी थोड़ी बैंगन को ऐसे तेल में देकर फ्राई कर लूंगी। इस बैंगन की एक एक साइड को मैं 30 सेकंड के लिए लो मीडियम फ्लेम पर ढक के फ्राई कर लूंगी। 30 सेकंड हो गई है। अब मैं ढक्कन हटाऊंगी और मैं सारे बैंगन को पलट दूंगी दूसरी साइड में। तेल बहुत ही छिड़कता है तो मैं इसे फिर से ढक दूंगी 30 सेकंड के लिए। फिर से 30 सेकंड हो गई है। अब मैं ढक्कन हटाऊंगी और सारे बैंगन को अब मैं फिर से पलट दूंगी। तो इसे ज्यादा फ्राई नहीं करनी है। बैंगन को मैं हल्के से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे प्लेट में निकल लूंगी। तो इसे तेल छान लेंगे, फिर इसे निकल लेना है। ये देखिए, मैं कुछ बैंगन को हल्के से फ्राई कर लिया है। ऐसे ही मैं सारी बैंगन को फ्राई कर लेती हूँ। इस बैंगन को भी मैं निकल लूंगी प्लेट में। देखिए, सारे बैंगन में फ्राई कर लिया है। तो चलिए फिर से कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। कढ़ाई में थोड़ी सी तेल रह गई है। अब मैं इसके अंदर ही तेल दूंगी और थोड़ी सी, और 1 टेबल स्पून तेल को फिर से गरम कर लेते हैं। तेल अच्छे से गरम हो गई है। अब मैं दूंगी सूखी हुई लाल मिर्च, तेज पत्ता और काली जीरा, इसे थोड़ा सा चलाएंगे। अब मैं दूंगी स्लाइस की हुई प्याज, इसे चला लेते हैं। प्याज के अंदर दूंगी थोड़ा सा नमक, इससे प्याज सॉफ्ट भी हो जाएगी और पानी भी नहीं छिड़केगा। प्याज को मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। प्याज को थोड़ा सा ढक देते हैं और बीच बीच में इसे थोड़ा सा चला देंगे, नहीं तो प्याज नीचे से जल जाएगी। तो ऐसे ही प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। फिर से ढक दूंगी, तो ढक्कन हटाएंगे। प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब मैं ग्रेट की हुई टमाटर को भी दे दूंगी मिक्स करते। टमाटर को मैं अच्छे से मिक्स कर दिया है। जीरा पाउडर को दे दूंगी और ये कश्मीरी लाल मिर्च, और देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो इसे फिर से मिक्स कर देते हैं। इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेती हूँ। जब तक ये मसाले से तेल ना अलग हो जाए तब तक इसे भूनना है। ऐसे ही और ऐसे ही चलाते रहना है। इसे मैं 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। और ये देखिए, टमाटर की पानी भी सूख गई है और मसाला से तेल भी अलग हो रही है। तो इसके अंदर देना है अब पानी। ज्यादा पानी हम नहीं देंगे क्योंकि ये कड़ी थोड़ा सा सूखी सूखी होगी तो अच्छी लगेगी खाने में। 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी इसमें दे दिया है, इससे ज्यादा पानी हमें नहीं देना है। अब मैं दूंगी चिरी हुई हरी मिर्च 2-3, और थोड़ी सी धनिया पत्ता, रख देंगे, इसे बाद में यूज करना है। इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। इस ग्रेवी को मैं
दो मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। चलो फ्रेंड मिलते हैं 2 मिनट के बाद। 2 मिनट हो गई है, अब मैं ढक्कन हटाऊंगी और ग्रेवी को थोड़ा सा चला देते हैं। ये देखिए ग्रेवी थोड़ा सा सूख गई है, तो अब मैं इसके अंदर दूंगी बैंगन को जो मैं पहले से ही फ्राई कर लिया था। एक करके फ्राई की हुई बैंगन को दे देते हैं। इसे ऐसे ही उल्टा करके देना है। गैस को मैं मीडियम फ्लेम पे रखा है। सारी बैंगन को मैं ग्रेवी में दे दिया है। अब मैं इसके ऊपर से दूंगी ये मस्टर्ड और खसखस की पेस्ट को ऊपर से दे देते हैं। इससे बहुत ही टेस्टी लगेगी ये बैंगन बाहर। आप इसे एक बार अपने घर में ऐसे जरूर ट्राई करना। इसे सारे बैंगन के ऊपर ऐसे लगा देंगे। सारे बैंगन के ऊपर मैं पेस्ट लगा दिया है। अब मैं गैस को एकदम ही लो फ्लेम पे कर दूंगी और इसे थोड़ा सा नीचे से ऐसे चला लेंगे। ऊपर से दूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ता जो मैं रख दिए थे पहले से, और देंगे ऊपर से गरम मसाला। सारी जगह इसे गरम मसाला छिड़क देते हैं। हल्के से मिला देनी है, ज्यादा प्रेशर देके इसे चलानी नहीं है। बैंगन बहुत ही सॉफ्ट होती है तो बैंगन टूट जाएगी। तो गरम मसाला को मैं इसके साथ मिला दिया है हल्के से। अब मैं इसे फिर से और 2 मिनट के लिए ढक दूंगी और गैस का फ्लेम मैं एकदम ही लो रखूंगी। तो चलो फ्रेंड मिलते हैं 2 मिनट के बाद। 2 मिनट हो गई है, अब मैं ढक्कन हटाऊंगी। और फ्रेंड इसे मैं बीच में और एक बार चला दिया था। ये देखिए बैंगन बाहर हमारी रेडी हो गई है, तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है बैंगन बाहर, तो ये खाने में तो बहुत ही अच्छी लगेगी। इसे मैं सर्विंग प्लेट में सर्व कर दूंगी। बैंगन बाहर को मैं सर्विंग प्लेट में सर्व कर दिया है। इसे गर्मा गर्म चावल के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है, या फिर रोटी पराठा के साथ भी इसे सर्व किया जा सकता है। तो फ्रेंड अपने घर में इसी तरह बैंगन बाहर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना आपकी बैंगन बाहर कैसी बनी। तो फ्रेंड आज की इस बैंगन बाहर की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, यानी कि जो घंटा के सिंबल है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।